करनाल में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। कभी रफ्तार कहर बनकर जिंदगियां लील लेती है तो कहीं लापरवाही हादसे का कारण बन रही है। करनाल में तरावड़ी के पास नेशनल हाईवे 44 पर सुबह एक ट्राला हाईवे पर खराब खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्राले से टकराने के बाद ट्रक के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस हादसे में ट्राले में सवार ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाईवे पर एक ट्रक को टायर फटा हुआ था और टायर बदलने का काम चला हुआ था। तेज रफ्तार से पीछे से आ रहे ट्राले ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्राले के कैबिन के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर व क्लीनर दोनों कैबिन के अंदर ही फंस गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने क्रेन की सहायता से करीब आधे घंटे में दोनों को बाहर निकाला। मैं टायर खोल रहा था, इसने आगे पीछे से ठोकी है जी। तो बचाव है या घायल है क्या? हमारा तो पूरा बचाव है जी, जी। मेरे हाथ में चोट है, मेरे पसली में चोट है, उनके हाथ में चोट है। तो दूसरे गाड़ी वाले एक खत्म है और एक बचा हुआ है। एक ही डेथ हो गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ से जा रहे थे? हम तो आ रहे थे यूपी से। यूपी से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? यही जा रहे थे, इस घटना में ट्रक ड्राइवर और उसके साथी की जान बाल बाल बच गई। वही हादसा होता देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। ये गाड़ी खराब गड़ी थी, इसका टायर फट गया था, इसके डाले में लगी आगे, इसके डाले में लगी है। दो लोग थे अंदर? हाँ, दो लोग थे, एक का हाथ टूट गया और एक मेरे हिसाब से खत्म हो गया। बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, आधा घंटा लगा निकालने में, ट्रेन की सहायता से बाहर निकाला। ये गाड़ी खड़ी थी, ये पीछे से आके, ये इसका टायर फूटा हुआ था, ये यहाँ पे खड़ी थी, ये पीछे से आई और इसके अंदर लग गई। नींद में था ड्राइवर, और एक ड्राइवर का तो हाथ टूटा है और एक खत्म हो गया, ऐसा मानना है उसका। मेरे हिसाब से बचेगा नहीं, वो बहुत ज्यादा भयंकर लगी हुई है उसको। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद लोग सहम गए। ट्रक के उड़े परखच्चे से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्राला कितनी स्पीड से चल रहा था। हालांकि इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि दूसरे व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।